हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं कुंभे वाटरफॉल देखने के लिए। कुंभे वाटरफॉल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे, जो कि 3 घंटे या 3.5 घंटे तक पूरा हो जाता है। और अब ऐसा सच हम वाटरफॉल देखने जा रहे हैं, तो एक वाटरफॉल देखने का बड़ा अच्छा जुनून रहता है। बट हम उससे पहले पहुँचे ही नहीं, तो हम छोटे छोटे वाटरफॉल्स देख के बड़े एक्साइटेड हो गए। तो हम पहुंचने से पहले ही हम आधे रास्ते में रुक रुक के हम छोटे छोटे वाटरफॉल देखने लगे। तो चलो थोड़ा बहुत वाटरफॉल देख लेते हैं। अब यहाँ छोटे छोटे वाटरफॉल्स दिख गए, अब उतर गए तो इतनी मेहनत से तो अब लगता है थोड़ी फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो चलो थोड़ी बहुत फोटोग्राफी हो जाए यहीं वाटरफॉल देखते देखते, थोड़ा संभल के। चलो अब चलते हैं आगे अगले सफ़र में। फिर भी वाटरफॉल से पेट नहीं भर रहा है, हम फिर भी छोटे छोटे वाटरफॉल देखे जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सफ़र का ही मज़ा लेते हैं और चलते रहते हैं। चलो ऑल दो रोड्स आर गुड, अपार्ट फ्रॉम थोड़े थोड़े पैचेज हैं बीच में खराब, बाकी तो अच्छे रोड्स हैं। जो भी कहो यार, मज़ा तो बहुत आ रहा है, मज़ा आ रहा है। बढ़िया कंट्री रोड, साइड में ग्रीन हो रखा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, हवा तो अच्छी खास चल रही है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। अब तो टाइम के साथ साथ वाटरफॉल का साइज भी बढ़ने लगा है। फाइनली वी आर एंटरिंग दैट टनल, जो कि जस्ट कुंभे वाटरफॉल इनिशिएट होता है उसके जस्ट सामने है। और टनल थोड़ा सा ख़तरनाक है, जैसा कि दिख रहा होगा आपको, बिकॉज कोई लाइट्स वगैरह नहीं है और इट्स जस्ट थोड़ा सा रफ सा रोड है और हल्की सी लाइट नज़र आएगी जो सामने आपके एंट्रेंस पे है। एंड फाइनली वी हैव रीच टू दैट लोकेशन जहाँ पे कुंभे वाटरफॉल एक्चुअली इनिशिएट होता है, मतलब यहीं से वाटरफॉल गिरना शुरू होता है। बट सर्टेनली आपको यहाँ से वाटरफॉल नज़र नहीं आएगा, आई मीन जो ब्यूटी है वाटरफॉल का। और ये वो टनल है जो आप देख सकते हैं, जिससे हम अभी जस्ट निकले हैं। हमने गाड़ी पार्क की, अभी हम वॉक करने लगे और थोड़ा सा ही वॉक है, उसके बाद से आपको पानी दिखने लग जाएगा, लोगों की भीड़ भी नज़र आ जाएगी। अब वॉक करके यहाँ आ गए हैं, तो ऑल दो आपको यहाँ से वाटरफॉल नज़र नहीं आएगा, बट स्टिल व्यू अच्छा है, तो यहाँ भी फोटोग्राफ्स खिंचा सकते हैं। इतनी मेहनत से आ गए हैं तो फ़ोटो खिंचा लेते हैं, बट बी केयरफुल, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी में बिल्कुल ना उतरे इस टाइम पर, स्पेशली जब मानसून चल रहा होगा। अरे यहाँ तक तो चलो ना, यहाँ पे सेफ है, यहाँ तक सेफ है, पानी में मत उतरना बस। पानी का फ्लो इतना ज़्यादा होता है, ज़रा सा पैर फिसला और अब सीधा नीचे, और हाइट बहुत ज़्यादा है वाटरफॉल, तो इसीलिए सोचे बिना पानी में उतरने। ठीक है, बाकी फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए साइड में लोकेशंस है, वहाँ पे जाकर फ़ोटो खिंचा सकते हैं। चलो फिर फ़ोटो खिंचाते हैं। ये पूरा यहाँ से नीचे गिर रहा है। हाँ, थोड़ा सा आगे जाके गाड़ी रोक के फिर ट्रैक करते हैं वो सामने। अब यहाँ तक आई गए हैं, थोड़ा एटलीस्ट फोटो खिंचा लेते हैं। हाँ। उसके बाद हम चलेंगे जहाँ से वाटरफॉल एक्चुअली नजर आता है। चलो चलें, फोटो खिंचा लें। चलो चलो फोटो खिंचाते हैं। बहुत ही खतरनाक है, बहुत डेंजरस लग रहा है, जस्ट बी केयरफुल, देखना संभल के। हाँ, थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स ले लेते हैं। चलो यहाँ तक का तो हो गया, अभी चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट इज़ जहाँ से हमें कुंभे वाटरफॉल एक्चुअली नज़र आएगा। तो हमने एक लोकेशन पे गाड़ी लगा दी है एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग। और जैसा हमने देखा था, वॉक एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट्स का ट्रैक है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ वैसे ही कुछ होगा। एक्सपेक्ट तो किया बट वैसा हुआ नहीं, ट्रैक एक्चुअली शुरू होते ही ख़त्म हो गया। हम थोड़े से गलत लोकेशन पे आ गए, ये आपको एक्चुअली थोड़ा सा और आगे जाना होता है जहाँ से वो ट्रैक शुरू होता है। और ये वाला जो लोकेशन है, यहाँ से आपको कुंभे वाटरफॉल उतना क्लियर नज़र नहीं आएगा जितना कि वहाँ से नज़र आता है, बट यहाँ से वो लोकेशन ज़रूर नज़र आएगा आपको, लोग भी नज़र आएंगे जो कि वो हमें देख रहे होंगे, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। बट ठीक है, अब यहाँ भी आ गए हैं तो हमने सोचा यहाँ भी फोटोग्राफ्स ले लेते हैं। और यहाँ से कुंभे वाटरफॉल उतना अच्छा नज़र नहीं आएगा, बट ठीक है, व्यू अच्छा है और सब हैं, तो हमने सोचा चलो फोटोज ले लेते हैं, थोड़े बहुत शॉट्स भी हो जाएंगे।
उसके बाद अब हम आ गए हैं सही वाले रास्ते में, और यहाँ आने के बाद थोड़ा ट्रैक देख के लग भी रहा है कि हाँ शायद हम सही ट्रैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता देख के समझ आ जाता है कि हाँ ये रास्ता सही जा रहा है। और थोड़ा सा आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, हल्के फुल्का जंगली रास्ता है, ऑफ रोडिंग टाइप ट्रैक है, और इट्स गुड, ट्रैकिंग भी इंजॉय कर सकते हो। और दूसरे 10-15 मिनट का ट्रैक है, उसके बाद आप पहुँच जाएंगे उस लोकेशन पर। पीछे तो देखो। और हम अब ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव ऑफ 3 आवर्स और थोड़ा सा 15-20 मिनट का ट्रैक करने के बाद हम फाइनली उस लोकेशन पे पहुंच गए जहां से कुंभे वाटरफॉल एक्चुअली नज़र आता है। एंड यू कैन सी दैट सच अ ब्यूटीफुल व्यू, कितना सुंदर लग रहा है यहां से कुंभे वाटरफॉल। वाओ, मतलब बादल और वो फॉग छा रहा है, एंड दैट वाटरफॉल इज़ फॉलिंग डाउन और ये फ्लो होता जा रहा है पहाड़ियों में, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो कुंभे वाटरफॉल देखने के बाद अब हम चलते हैं वापस पुणे चलेंगे, अभी थोड़ा बहुत बीच में रुक के थोड़ा बहुत हंसते गाते खी खा करते करते चलेंगे। चलो लेट्स गो बैक टू पुणे। बचाओ,